हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, इस ठंड में खूब अच्छे से अपना ध्यान रखे होंगे। मैं रजनी कंसल, बैचलर थेरेपिस्ट, एरोमा थेरेपिस्ट एंड ट्रेडिशनल रेकी मास्टर। प्लीज म्यूट कर लें सब लोग। आज हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में। ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती हैं और क्या उनके कारण होते हैं? इमेजिन कीजिए, लाइक योर बॉडी इज अ कैसल एंड योर इम्यून सिस्टम इज योर आर्मी फाइटिंग ऑफ इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। जैसे आपका शरीर एक किला है और आपका इम्यून सिस्टम उसकी रक्षा के लिए एक आर्मी की तरह काम करता है कि बाहरी जितने भी इफेक्ट्स हों, बैक्टीरिया वायरस वगैरह, उनसे आपको प्रोटेक्ट करे। लेकिन क्या होगा कि अगर आपकी आर्मी ही आपके खिलाफ हो जाए? व्हाट इफ योर आर्मी माल फंक्शंस एंड अटैक्स द कैंसर? आपका इम्यून सिस्टम जो कि आपके ऑर्गन्स और सेल से बना हुआ है, दैट इज मेंट टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वायरसेस एंड कैंसर सेल्स एक्सेट्रा। लेकिन क्या हो कि अगर वो आपको प्रोटेक्ट करने की जगह खुद अपनी सेल्स को भी डैमेज करने लगे? जब आपका इम्यून सिस्टम एक्सीडेंटली अटैक्स टू इट्स ओन बॉडी सेल्स, देन इट रिजल्ट्स इनटू एन ऑटो इम्यून डिजीज। जब आपके सेल्स खुद अपने ही ऑर्गेनिज्म पर अटैक कर देते हैं, खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, तब बहुत मुश्किल हो जाती है शरीर की सुरक्षा कि किस प्रकार से हम अपने शरीर को सुरक्षित करें। जबकि उसका काम है कि वो आपको बाहरी प्रभावों से बचाए, आपके अंदर भी अगर कोई अनवांटेड चेंजेस आ रहे हैं तो उनसे आपकी रक्षा करे। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस, क्या कारण है? ये अभी तक अनक्लियर है। कोई भी एक्सपर्ट्स जो है, मेडिकल डॉक्टर्स, दे कैन नॉट टेल द एप्रोप्रिएट रीजन ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस। क्यों हमारा इम्यून सिस्टम रिवोल्ट कर देता है, क्यों वो अपनी तरफ ही अपनी गन्स को टर्न कर देता है और हमें खुद अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीजेस के जरूर ही कुछ इमोशनल और मेंटल रीजन। इट इज सर्टेन दैट इट हैज सम इमोशनल एंड मेंटल रीजंस। अगर हम उन इमोशनल और मेंटल रीजंस की तरफ ध्यान दें तो हम बहुत से तरीकों से अपने आप को इन डिजीजेस से बचा सकते हैं। लगभग 100 से ज्यादा ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ, जैसे कि ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस और दूसरी ऑटो इम्यून डिजीजेस और भी बहुत सारी हैं। लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली उन डिजीजेस का जिक्र करके आपको डराना नहीं चाहते, या उन डिजीजेस का जिक्र हम नहीं करना चाहते। हम ये जिक्र करना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट करते हैं और कब, अगर आपको जरूर से ज्यादा कहीं पर पेन कंटिन्यूअसली रहने लगता है, कोई एक चीज बार बार रीअकर होती है, फटीक बहुत ज्यादा रहती है, डिजीनेस या रैशेस बार बार हो जाते हैं, डिप्रेशन परसिस्ट करता है, तो इस तरह के अगर आपके कोई सिम्टम्स हैं रेगुलर, तो आपके डॉक्टर ही डायग्नोज करेंगे मेडिकल साइंस में कि आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वी कैन फाइंड आउट द इमोशनल रीजन एंड उनको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। माई ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लेन देयर मेंटल एंड इमोशनल बेसिस। ऑटो इम्यून डिजीजेस के जो मेंटल और इमोशनल बेसिस हैं उनको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करना मेरा ऑब्जेक्टिव है इस वेबिनार का। और मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाने वाली हूँ कि डेफिनेशंस क्या होती हैं ऑटो इम्यून की, कौन सी बीमारी की क्या डेफिनेशन है, कैसे उसका डायग्नोसिस होता है, कैसे उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दैट। वी विल डिस्कस द इमोशनल कॉजेज दैट मे ट्रिगर द इम्यून सिस्टम टू बिहेव एबनॉर्मल। हमारा इम्यून सिस्टम क्यों एबनॉर्मली बिहेव कर सकता है, खुद अपने आप को क्यों डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और अकॉर्डिंग टू द इमोशंस कैसे हम बैचलर रेमेडीज का सिलेक्शन कर सकते हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी
क्योर करने के प्रोसेस में अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मेथड्स, क्योंकि ये इतनी पेनफुल होती हैं ये डिजीजेस कि इसमें आपको जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट अवेलेबल है मेडिकल साइंस में वो तो आपको लेना ही पड़ेगा एट द टाइम इट इज वेरी एक्यूट, और उसके बाद आप अगर जब अपने इमोशंस को हील करेंगे तो धीरे धीरे करके वो टेंडेंसी आपके अंदर ठीक होती चली जाएगी और डिजीज में भी क्योर। तो मेन इमोशनल कॉज क्या होता है, जब हमारा मिसबैलेंस होता है हमारे हार्ट एनर्जी सेंटर। हमारा हार्ट एनर्जी सेंटर इज अ प्लेस जहाँ पर कि हमारे सारे इमोशंस आकर के स्टोर होते हैं, जो भी हमें दुख होते हैं, जितने भी जब भी हमें कहीं पर रिजेक्शन मिलता है तो उसका जो दुख है वो हम यहाँ पर अपने हार्ट एनर्जी सेंटर में अपने डीपेस्ट लेयर में स्टोर कर लेते हैं, बिकॉज वी डोंट शो इट, हम किसी से जिक्र नहीं करते, लेकिन वी फील वेरी बैड व्हेन समवन टेल्स अस दैट आवर बिहेवियर इज नॉट प्रॉपर, वी आर नॉट वर्किंग अप टू द मार्क, या इस तरह की कोई भी चीज जब हमारी लाइफ में होती है तो उस दुख को हम अपने हार्ट एनर्जी सेंटर में स्टोर कर लेते हैं, जबकि हमारा हार्ट एनर्जी सेंटर शुड बी द सेंटर ऑफ अनकंडीशनल लव, जहां पर हमको प्लेजेंट मेमोरी को स्टोर करना चाहिए, वहां पर अनप्लेजेंट सॉरो मेमोरीज जो है वो स्टोर होने लग जाती है। और यूजुअली क्या होता है कि वी डिस्कार्ड those parts of our personality and those behaviors that are not supported by the society. Society में या आपके parents के द्वारा या आपके office में अगर आपका कोई behavior ऐसा है या आपका working जो है वहां पर appreciated नहीं है और आपको लोग ज्यादा criticize करते हैं, punish करते हैं time to time, तो वो सारा behavior जो है वो उसका दुख आपके heart center में आ जाता है और आप खुद अपने आप को रिजेक्ट कर लेते हैं, मतलब आप अपनी उस बिहेवियर को आप खुद ही नापसंद कर लेते हैं और आप अपने उस पार्ट को रिजेक्ट कर लेते हैं। तो डिजीजेस कब होती हैं, जब हमारा एग्रेशन, जो हमारा गुस्सा है जो हमें दूसरों के प्रति है कि उन्होंने हमें एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जैसे हम थे, उसी तरह से हमें स्वीकार क्यों नहीं किया गया, हमारे पेरेंट्स ने हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखी, हमारे और कोलीग्स ने, हमारे फ्रेंड्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने जो भी हमें रिकग्निशन नहीं दिया किसी केस पर, तो उसका जो एग्रेशन है उसको हम बाहर तो नहीं निकाल पाते, हम खुद अपनी तरफ ही डाइवर्ट कर, एंड दैट इज द मेन कॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस। आप समझ रहे हैं ना कि जैसे आपके सेल्स जो हैं वो खुद अपने को डिस्ट्रॉय कर लें, उन्हें किसी व्यक्ति को जैसे खुद लगने लग जाता है कि वो ही अप टू द मार्क नहीं है, तो अपनी सेल्फ एस्टीम को कभी लो नहीं होने देना, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हमें अपनी सेल्फ एस्टीम को लो नहीं होने देना चाहिए, दूसरा कुछ भी कह रहा है, पर एवरी पर्सन हैज सर्टेन क्वालिटीज, तो हम अपनी उन क्वालिटीज को हमें सबसे पहले खुद अप्रिशिएट करना होगा, वी हैव टू लव आवर गुड्स। नॉन एक्सेप्टेंस इन दिस केस हम देख रहे हैं कि नॉन एक्सेप्टेंस जो है दैट इज द मेन कॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस, इवन अदर डिजीजेस आल्सो कम बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि हम खुद को ही एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं, हमें लगने लगता है कि हम ही किसी काबिल नहीं है, हमें ही इतनी कमियां, तो इस तरह की जो ट्रॉमिक मेमोरीज होती हैं, ट्रॉमा जो आपने डिफरेंट रीजन से टाइम टू टाइम अपने अंदर स्टोर कर लिया है, उसके कारण आपके अंदर ये रिजेक्शन की फीलिंग आती है। ईच टाइम जब आपको लगा कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया तो हर बार आपको बहुत ट्रॉमा हुआ उसका, और उसके कुछ अंश, उसके दुख के अंश पेनफुल मेमोरी के रूप में आपके अंदर स्टोर हो गए। जैसे किसी ने आपको कहा कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, आपकी इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप अच्छी तरह काम करना ही नहीं चाहते हो इसीलिए आपका अच्छा काम नहीं होता है, या जो भी कुछ आप कर रहे हो उसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट राइट, या पीपल कीप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ, तो इन दैट केस वो उस सब चीजों का दुख आपके अंदर, उस सब चीजों का ट्रॉमा इवन, अगर बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिलता है आपको, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, तो उसका एक ट्रॉमा सा क्रिएट हो जाता है जो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाकर के स्टोर होता है, और सर्टेन टाइम्स वी आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन सर्टेन मैनर, तो
लोग हमको करते बताते हैं कि हैं हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैम आई डू हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस. या आई नो योर मैम नेम एक्सक्यूज प्लीज। रितिका. ओके यस। मैम जिस भी इंसान की वजह से या जिन लोगों की वजह से पर्टिकुलर, इफ यू फील दैट पेन स्टिल इनसाइड यू, दैट शुड वी अगेन टॉक टू देम और शुड वी हैव अ कम्युनिकेशन विद देम? नॉर्मल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल इज अ डिफरेंट वन, बट एक नॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर आपको एक नॉर्मल अपने उस नेचर में जाके उन लोगों से वापस बात करनी चाहिए क्या? हो किस सकता है, विषय में, देखिए मैं किस ओके विषय में आई कि आई मैं लाइक ओके आई विल गिव नॉर्मल एग्जांपल कि मी बीइंग वेरी पोलाइट एंड हम्बल और मस्ती, मतलब होता है ना कि मस्ती मजाक करना या हाँ मस्ती मजाक करते रहना, जी तो उस चीज को लोग कई बार आपकी वीकनेस के फॉर्म में ले जाते हैं कि चलो ये कुछ कहेगी नहीं हमें आगे से, तो हाँ दे ट्रीट यू और मिसबिहेव विद यू इन सो सर्टन. दैट इज देयर तो एट्रीब्यूट। कि लेट मी कहीं ना कहीं से, आपको कॉल करती है. सॉरी. हाँ जी. मैं कह रही हूं कि दिस इज दैट देयर बिहेवियर, दिस इज देयर, दैट इज देयर थिंकिंग। तो हमें अपनी हाँ जी. थिंकिंग क्या कर रखनी है, वी हैव टू वर्क ऑन दैट कि हाँ हमें जी क्या मैम. थिंकिंग रखनी है। हाँ नहीं, माय क्वेश्चन स्टिल मतलब वो अभी आधा रह गया था कि मैं उन लोगों के साथ एज अ ठीक है प्रोफेशनल लाइफ में आई कैन नॉट अवॉइड देम, बट क्या मेरे को वो मस्ती मजाक या लीवरेज या वो चीजें वापस देनी चाहिए उनको, या उनके साथ वो नॉर्मल बिहेवियर, मतलब सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन. मैं सबके साथ नॉर्मल बिहेव कर सकती हूँ कुछ है, बट आई कैन नॉट गिव, मतलब देर इज अ बैरियर इन साइड मी कि मैं उनके साथ ना वो नॉर्मल, मैं चाह कर भी जो है ना वो एक पुशबैक दे रही हूँ कॉन्टिन्यूसली. हम उसी के बारे में बात करेंगे अभी कि हमारे डिफरेंट इमोशंस कैसे प्रोवोक होते हैं लोगों, दूसरे लोगों के बिहेवियर से, और उस केस में कैसे हमें अपने को, बेसिकली हमें अपने ऊपर काम करना है तो कैसे हमें बिहेव करना है और कैसे हमें अपने आप को ठीक करना है। जैसे अपने को हमें हमें इसका प्रयास करना है कि हमें उतना बुरा ना लगे, और वी बेसिकली नो व्हाट आर आवर क्वालिटीज, तो हमें उन क्वालिटीज को गिव अप नहीं करना है। एंड वी मस्ट नो कि वी हैव मैनी क्वालिटी। इफ द अदर पर्सन इज सेइंग यू आर नॉट वर्थ वाइल, दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट वर्थ वाइल। लाइक अगर दूसरे को आप ऐसा लग रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, आपको अपने मन में ये नहीं बैठाना है कि आप गलत हैं। जब आप स्वयं को क्रिटिसाइज करने लगेंगे तब डिजीज आएगी। आपको अपने को क्रिटिसाइज सिर्फ उसलिए करना है कि जहां आपको लगे कि आपको अपने में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जहां पर आपको नहीं लग रहा है कि अपने में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वहां पर आप अपना बिहेवियर वैसा ही रखिए अकॉर्डिंग टू द पर्सन। वो तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि कहाँ आपको हंसना बोलना है, कहाँ नहीं करना है, बट अदरवाइज वी आर टॉकिंग समथिंग डिफरेंट। लाइक अभी लेट मी कंप्लीट माई थिंग एंड देन वील टॉक आफ्टर वर्ड। ओके, तो नॉट एक्सेप्टिंग, जब हमें दूसरे दूसरे लोगों से जब एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है तो एट सर्टेन मोमेंट, और हम दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरते हैं, और हमें जो हमने मिस्टेक नहीं भी की है हमारी तरफ से, हमें या कोई मिस्टेक हमसे हुई भी है तो उसके लिए हम पनिश होते हैं, तो वो सारे सॉरोज एंड ट्रॉमास हमारे अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें खुद को रिजेक्ट नहीं करना है, इस चीज का हमेशा ध्यान याद रखना है। इसके अलावा जैसे मिस्टेक्स हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, हम उसको अगर मीट नहीं कर रहे हैं तो हमें पनिशमेंट मिल रहा है या क्रिटिसिज्म मिल रहा है। इसके अलावा देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ अब्यूजेस विच वी गेट फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द फ्रेंड्स, और सर्टेन हेरेसमेंट्स हमको मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं या कहीं और भी मिलते हैं। तो इस तरह की चीज का किस तरह से हम उस पर रिएक्ट करते हैं, हाउ डू वी रिएक्ट टू अ सिचुएशन व्हेन वी आर गेटिंग ऑल दिस, और कितनी इंटेंसिटी से हम रिएक्ट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट। आपको क्या मिल रहा है बाहर से वो एक बात अलग है, लेकिन आपका रिएक्शन क्या है, कितना स्ट्रांगली आप उसको रिएक्ट करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपके बॉडी के सेल्स रिएक्ट करेंगे। जैसा आपका इमोशन होगा उसी तरह से आपके बॉडी के सेल्स भी रिएक्ट करेंगे। तो
तो कुछ तो बैचलर रेमेडीज हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, जो और कुछ अदर मेथड्स भी हैं जो आपको सेव कर सकते हैं खुद को क्रिटिसाइज करने से और अपने को एक्सेप्ट करने से. वी शुड नॉट रिजेक्ट एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. अगर वो खूबसूरत नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरों को खूबसूरत नहीं लगता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. और हमारी सर्टेन क्वालिटीज हैं, वी शुड डेवलप दोज. जो क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं है तो उनके उनके पीछे भागने से अच्छा है जो क्वालिटीज हमारे अंदर हैं उनको हम डेवलप करें सो दैट पीपल कैन अप्रिशिएट. तो इसको करने के लिए बैचलर रेमेडीज के ऊपर हम अभी आ रहे हैं. उसके पहले हम दो सिंपल मेथड्स हैं कि वी कैन टैप टू आवर हार्ट एनर्जी सेंटर. हार्ट एनर्जी सेंटर ऑल ऑफ यू नो एट योर हार्ट प्लेस, सेंटर ऑफ द हार्ट. तो यहाँ पर हम टैपिंग कर सकते हैं स्लाइटली दिस वे. वी कैन कीप टैपिंग ऑल दो आई एम फीलिंग लाइक दिस डॉट 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 डॉट. यू कैन एक्सप्लेन वॉट यू आर फीलिंग अबाउट द अदर्स वेन यू आर क्रिटिसाइज. तो यू कैन से ऑल दो आई एम फीलिंग लाइक दिस, ऑल दो आई हैव डन दिस वर्क विच वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, और ऑल दो दिस हैपेंड दिस वे. ये आप कहें आई ऑल दो ऑल दिस हैज हैपेंड स्टिल आई डीपली एंड फुल्ली एंड कंप्लीटली लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई डीपली फुल्ली एंड कंप्लीटली लव रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. लाइक दिस काइंड ऑफ टैपिंग. अगर आप जिस समय आप बहुत डिस्टर्ब हैं, आपको लग रहा है कि मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ, आई एम नॉट टैपिंग अप टू द मार्क फॉर द सोसाइटी फॉर माई पेरेंट्स, तो उस समय आप इस तरह को टैपिंग कर सकते हैं अपने हार्ट एनर्जी सेंटर पे. तो आपकी बैड फीलिंग्स जो हैं वो रिलीज होंगी. और दूसरा एक चीज और है ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दैट वी हैव एंड ऑल दैट वी विच वी डोंट हैव. जो भी हमारे पास है या नहीं है ये ईश्वर का निर्णय है. उसने जो भी कुछ हमें दिया है हम उसके लिए उसको धन्यवाद करते हैं. और जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, कुछ कारण होगा, हम उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं. जो हमारे अचीवमेंट्स हैं हम उसके लिए भी धन्यवाद करेंगे. इवन जो छोटी छोटी चीजें हमें लाइफ में मिल रही हैं हम उन सब के लिए धन्यवाद करेंगे. और अपने को धन्यवाद, दूसरों को धन्यवाद और ईश्वर को धन्यवाद. जो भी कुछ अच्छा या बुरा हमारे जीवन में हो रहा है हर चीज के लिए धन्यवाद. कुछ भी जो भी हो रहा है वो अच्छा है. किसी भी चीज को अच्छा या बुरा हम डिक्लेयर नहीं करेंगे. अपने आप को करना तो बहुत ही अलग बात है. हम किसी दूसरी चीज को या किसी दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा या बुरा डिक्लेयर नहीं करेंगे. वी शुड हैव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग. इस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ता है, कई बार स्वयं से नहीं आती है. तो रोज अगर हम टैपिंग करते हैं और ग्रेटिट्यूड करते हैं फॉर 5 मिनट्स और सो, तो दैट ऑल्सो है. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्लावर रेमेडीज की ओर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस लेयर की. द टिप ऑफ द आइसबर्ग द सरफेस लेयर इज देयर. सारे आपके इमोशंस जो अंदर अंदर स्टोर हो गए हैं आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर, डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स में. जब कोई कुछ भी आपको बुरा लगता है तो सबसे पहले आपका सोलर प्लेक्सस अफेक्टेड होता है, आपका मणिपुर चक्र अफेक्टेड होता है. एकदम से आप देखेंगे पेट में गुरुम गुरुम होने लगता है या कुछ अजीब सा फीलिंग होता है. एंड देन यू ट्राई टू ओवरकम दैट. तो उसको आप पीछे की तरफ भेजते हैं तो वो थोड़ा हार्ट सेंटर में जाकर के रेस्ट करता है, वहां पे स्टोर होना शुरू कर देता है. और उससे भी ज्यादा जब पीछे आप और डीपर लेयर पे भेजते हैं तो आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे आकर के डिपॉजिट हो जाता है, जहां पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड होने लगता है. और आप समझते ही हैं कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड हो गया तो फिर वो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकते. तो हम सरफेस लेयर पर देखते हैं कि कौन से इमोशंस होते हैं हमारे, कौन से इमोशंस आते हैं और उनको हम किन बैचलर रेमेडीज से ट्रीट कर सकते हैं. जैसा कि हमने अभी देखा कि मेन रीजन होता है नॉन एक्सेप्टिंग वन सेल्फ. हम जब खुद को अस्वीकार कर देते हैं, तो जब हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर देते करते हैं तो हमें एक एक नेगेटिव इमोशन टुवर्ड्स अदर्स भी होने लगता है. हमें हेट्रिड आती है जो दूसरों के पास, जेलसी आती है कि दूसरों के पास बहुत कुछ है हमारे पास नहीं है. वी आर नॉट अप टू द मार्क. हमारे अंदर कुछ गुण कम है, दूसरों को बहुत ज्यादा मिले हैं. तो हमें उससे जेलसी होती है, हेट्रेड होती है.
और हमें गुस्सा आता है कि उन्हें क्यों मिला है, हमें क्यों नहीं मिला। तो हम दूसरों को इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दूसरे हमें इंसल्ट कर रहे हैं तो हम दूसरों को इंसल्ट कर रहे हैं, वी हिट बैक दैट। तो इस तरह का टेम्परामेंट होने लग जाता है। ये सिम्टम है नॉन एक्सेप्टेंस, कि आप खुद को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आपको पता है कि यू आर वर्थ फाइन, आपको पता है अपनी क्वालिटी, तो दूसरा कुछ भी कह रहा है आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, तब आपको उतना गुस्सा नहीं आएगा। यू कैन बी काम, आप उसके ऊपर तरस खाएंगे कि जो आपको सही नहीं समझ रहा है। तो अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो हॉली इज द रेमेडी। हॉली आपका सबसे पहले गुस्से का, जब इस तरह की कोई भी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, तो सबसे पहले हमें गुस्सा आना शुरू होता है, जेलसी एंड ये सब होता है। और कोई भी कोई बात कह रहा है तो हम उसको पर्सनली ले लें, तो धीरे धीरे करके वो हमारे, हमें नहीं भी कह रहा है, कोई जनरल भी बात हो रही है तो हम उसको वी टेक इट पर्सनली, और बहुत ही एजिटेटेड वे में रिएक्ट करते हैं, और हम दूसरों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के इंप्रेशन जब होते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए, जब हमें गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए दैट इज और हमें ये लग रहा है कि दूसरा हमें गुस्सा कर रहा है, दूसरा हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, तो दिस वर्ल्ड इज द मिरर ऑफ योर हार्ट। जैसी फीलिंग्स आपके अंदर होंगी, जो आपके अंदर है वही आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, और वही आपको यूनिवर्स से वापस मिल रहा है। इन द पास्ट सच पर्संस वर अटैक्ड एंड इंसल्टेड, फेस्ड अ सीवियर लॉस इन डिग्निटी। उनको कहीं बार बार बेइज्जत किया गया है, बार बार उनको इंसल्ट किया गया है। अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आती है कि उनको एक ट्रॉमा पैदा हो जाता है, तो जरा सी भी कोई सिचुएशन आई तो एकदम से ट्रिगर हो जाती है उनकी सारी चीजें, और फिर वो धीरे धीरे करके वो खुद को ही रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये सोचते ही नहीं है कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटीज हैं, वी कैन ऑल्सो डू सर्टेन थिंग्स। तो नेगेटिव हॉली स्टेट इज अ साइन ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग वन सेल्फ। हॉली की जो नेगेटिव स्टेट है, जिसमें हम जेलस होते हैं, गुस्सा करते हैं, और तो उसमें फिर हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और हम खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम दूसरे पर तो अटैक कर नहीं पाते, है ना। वी कैन नॉट अटैक समबडी अनलेस एट सम पॉइंट वी आवर सेल्फ फेल्ट अटैक, क्रिटिसाइज, अब्यूज और रिजेक्ट। अगर हमारे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ, तो हम भी ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं दूसरों के साथ। बेसिकली हमारे साथ इस तरह का कुछ हुआ है, हमारी कुछ मेमोरीज हैं, तो उनको दूर करने के लिए हम हॉली का प्रयोग कर सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि दैट पर्सन जिसको हम हेट कर रहे हैं इज इन फैक्ट इन पेनफुल एंड अनएक्सेप्टेड पार्ट ऑफ अस। जिसको, जब हम खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब वो पार्ट जो गुस्सा कर रहा है, वो पार्ट जो मिसबिहेव कर रहा है, जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं आप देखते हैं फैल जाते हैं कहीं भी, कुछ उनके मन मर्जी का नहीं हुआ तो वो फैल गए, तो पेरेंट्स भी और गुस्सा करेंगे, कुछ पेरेंट्स वहीं पर ही उनको स्लैप कर देंगे या कुछ और करेंगे, तो दैट डीपली हर्ट्स देम। और फिर क्या होता है कि वो भी अपने व्यवहार में उतना ही गुस्सा दिखाते हैं। तो इस चीज को समझकर हमें हॉली का प्रयोग करना चाहिए, जो हमें अनकंडीशनल लव की ओर लेकर के चलता है। हॉली एनेबल्स सेल्फ एक्सेप्टेंस, क्रिएट्स लव एंड थैंकफुलनेस टू वन सेल्फ। अपने लिए हमें थैंकफुलनेस क्रिएट करती है हमारे अंदर, एंड द सेंसेशन दैट वी आर गुड, दैट वी आर वर्दी, एंड दैट ऑल दैट इज आवर्स विल इवेंचुअली कम टू अस। जो भी कुछ हमारा है वो हमें अवश्य मिलेगा, आज अगर नहीं भी मिल रहा है तो एट सर्टेन टाइम जब उसका समय होगा तो हमें सब कुछ मिलेगा, वट एवर वी डिजर्व। नेक्स्ट रेमेडी आती है बीच। नॉट एक्सेप्टिंग वन सेल्फ लीड्स टू नॉट एक्सेप्टिंग अदर्स। जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं करते, उनके बिहेवियर को भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम उन्हें भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते। तो एक तरह से हम नेगेटिव बीच स्टेट में चले जाते हैं। बीच इज अ बैड फ्लावर रेमेडी। हम उसकी नेगेटिव स्टेट में चले जाते हैं, हमें बिल्कुल ही टॉलरेंस खत्म हो जाती है दूसरों की, और हम हर समय दूसरों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, व्हाट एवर दे आर डूइंग। कोई अच्छा भी कर रहा है तो हम जरूर उसके पीछे कोई गलत मोटिव देखने में सक्षम हो जाते हैं, हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं कि जरूर ये गलत होगा। इन फैक्ट ऑल दैट वी डू नॉट लाइक इन आवर सेल्फ दैट वी पुश बैक इन टू द, जब हमें नहीं मालूम है कि जो कुछ चीजें जो हमें अपने अंदर नहीं पसंद होती हैं, वही हम बाहर निकालते हैं, वही हम दूसरों में। व्हेन यू केम अक्रॉस अ पर्सन यू कैन नॉट स्टैंड, थिंक इट अच्छी तरह से, उसको थॉरली सोचिए। इफ
perhaps this person is your mirror. हो सकता है कि आप ही वैसे ही हो, जैसा व्यवहार दूसरा जना कर रहा है, जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है. क्या पता आप भी ऐसा ही व्यवहार करते हो. एंड यू डिसलाइक योर पार्ट ऑफ दिस पर्सनैलिटी, एंड दैट इज वाई यू आर अट्रैक्टिंग सच फॉर पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग यू. द मिरर ऑफ योर सबकॉन्शियसनेस दैट नीड्स टू कम टू द सर्फेस एंड देन बी एक्सेप्टेड लाइक अ जिग्सॉ पजल. जिग्सॉ पजल में जैसे डिफरेंट पीसेस होते हैं, ऐसे ही आपकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट पीसेस हैं जिनको एडजस्ट करके आपको अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना है. जब आप खुद को कंप्लीटली एक्सेप्ट करेंगे तभी आप दूसरों को भी कंप्लीटली एक्सेप्ट कर पाएंगे, और इसमें आपकी हेल्प करेगी भाई बीच. जब आप अपने आप को एंटायरली एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके सेल्स, बॉडी के सेल्स भी डिफरेंटली बिहेव नहीं करेंगे, वो भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे बाहर के वायरसेस से, बैक्टीरिया से, कैंसर सेल्स से, और इसी तरह की और भी जो चीज. इसके बाद आता है विलो, वैश्वा रेमेडी विलो. नेगेटिव विलो डेफिनेटली अटैक्स इटसेल्फ, अपने आप को ही हर्ट करते हैं हम लोग. कई बार ऐसा होता है कि जो भी हमारे अंदर कमी है हम उसके लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ठीक से पढ़ाया होता, उन्होंने मुझे सही दिशा दी होती तो आज मैं कोई बहुत अच्छा काम कर रही होती, या मैं आज कुछ और मेरे जीवन में ये अच्छा हो गया होता. तो वट एवर वी कुड नॉट डू वी ब्लेम अदर्स. ये आपकी बिटरनेस जो धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप हुई, जो पहले गुस्सा हुआ फिर क्रिटिसिज्म डेवलप हुआ, उसके बाद जो है आपके अंदर एक रिजेंटमेंट डेवलप हो गया कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सब दूसरों की गलती. द स्टेट ऑफ एम्बिटरमेंट, ह्यूमिलिएशन एंड डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज वंस ओन लाइफ इज परसीव्ड एज अनजस्ट. आप सोचने लगते हो कि मुझे मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, ईश्वर ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मेरे कोलीग्स मेरे साथ न्याय नहीं करते हैं जैसा व्यवहार करना चाहिए, पेरेंट्स ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मेरी बहन को ज्यादा प्यार किया, मेरे भाई को ज्यादा प्यार किया, उसको ज्यादा दिया, मुझको कम दिया. तो इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप होने लगती है. व्हेन सम अनएक्सपेक्टेड लाइफ सिचुएशन थ्रोज इट ऑफ द ट्रैक. जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड लाइफ सिचुएशन हो गई और जिसको आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तब भी एक रिजेंटमेंट आता है और आपका संतुलन बिगड़ जाता है. तो आप सोचने लग जाते हैं कि हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, तो ये हमारे जीवन में क्यों आया. तो हमारे साथ जिंदगी हमारे साथ मजाक कर रही है, जिंदगी ने द लाइफ इज नॉट फेयर विद अस, एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन डीड्स. आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिस परिस्थिति में आप हैं, जो फील आप कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आप खुद नहीं लेना चाहते. तो रितिका, आई सपोज रितिका वॉज टॉकिंग अबाउट अदर पीपल, तो जैसे कि वो दूसरे लोग ऐसे हैं, ये फीलिंग हमको आती है. तो इस फीलिंग को भी बहुत परसिस्ट नहीं करने देना चाहिए, राइट. तो उसके लिए हमें विलो रेमेडी का यूज हम लोग कर सकते हैं. जब बहुत समय तक विलो की स्टेट में व्यक्ति रहता है कि एक पैसिव एंगर और एम्बिटरमेंट उसके अंदर पलता रहता है, तो और वो उसको जैसे कहते हैं ना कि कोई बात उस पर्सन को खाई जा रही थी, दैट मीन्स कि वो अंदर ही अंदर घुल रहा है, अंदर ही अंदर घुल रहा है, मीन्स द सेल्स आर रिवोल्टिंग एंड ईटिंग इटसेल्फ. ठीक है ना, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं लाइफ की किसी सिचुएशन को या अपने अपनी कुछ कमियों को या कुछ को. तो उस ऐसे केसेस में विलो आपको बहुत हेल्प करती है खुद को एक्सेप्ट करने की, और तब हम अपनी गलती को, हमें समझ में आती है कि हम कहाँ पर गलत हैं और उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं. अपनी गलती को हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं. तो ये तीन मेन रेमेडीज हैं, हॉली, विलो एंड बीच, जिनको आप लोग अपने साथ अपने प्रयोग कर सकते हैं अगर इस तरह के आपके टेम्परामेंट्स आ रहे हैं. और इसके साथ में आई विल एडवाइज कि अगर आप हॉली, विलो और बीच का यूज कर रहे हैं तो आप चेरी प्लम का यूज जरूर करें, क्योंकि जब आपके ये इमोशंस रिलीज होंगे तो आप बर्स्ट हो सकते हैं. तो अपने आप पर कंट्रोल लाने के लिए, सो दैट यू डोंट रिवोल्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, आप अपनी बात को और ज्यादा ना बिगाड़ते हैं अपने फ्रेंड्स के और उनके सामने बोल के. तो व्हेन यू आर रिलीजिंग योर बैड इमोशंस,
तो उसके लिए आप साथ में चेरी प्लम का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो और डीपर लेयर होती हैं उनको फिर आप अगर और ज्यादा आपको कुछ महसूस हो रहा है तो आप किसी बैचलर थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए सेंटोरी, रॉक वाटर, क्रैब एप्पल, सेरेटो, मिमिलस, रॉक रोज एंड मस्टर्ड और भी बहुत सारी केमिकल्स हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो अपने आप को बिल्कुल एकदम सरेंडर कर देते हैं और दूसरों की इच्छा अनुसार ही चलने लगते हैं, डोरमैट पर्सनैलिटी जैसे हम कहते हैं, कि वो अपने लिए कुछ डिसाइड ही नहीं करते, उनका जीवन दूसरों के लिए ही हो जाता है। उनको लगता है कोई उन्हें क्रिटिसाइज ना करे तो वो इतना अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि अपने आप को पनिश करने लग जाते हैं, या बहुत हाई स्टैंडर्ड्स अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। तब हम रॉक वाटर का यूज करते हैं कि बहुत हाई स्टैंडर्ड क्रिएट कर लेते हैं और उसको अचीव करने के लिए अपनी कोई किसी भी सुख सुविधा का तो दूर है, अपने हर प्लेजर को भी फॉरगो कर देते हैं क्योंकि हमें दूसरों के लिए करना है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे इमोशंस हैं जो लीड करते हैं डिफरेंट डिजीजेस की ओर। उनको अवॉइड करने के लिए आप किसी बेस्ट थेरेपिस्ट के साथ जाएंगे तो वो आपकी आपके इमोशंस को, बिकॉज ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट, सबका रिएक्शन का तरीका फर्क होता है, सबके अंदर डिफरेंट इमोशंस होते हैं, सबके अपनी कैरी कर रहे हैं सब लोग प्रीवियस लाइफ से भी और इस लाइफ में भी, बचपन से कुछ ना कुछ इमोशंस हम कैरी कर रहे हैं। जब वो बैचलर थेरेपिस्ट के सामने जाते हैं और अपने इमोशंस को बताते हैं तो उसके अनुसार उनकी रेमेडी प्रिपेयर की जाए। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली एंड नाउ यू कैन आस्क एनीथिंग इफ यू वांट, एनीवन कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। Yes, ma'am. Yes. Ma'am, अगर इन्फेक्शन है बॉडी पे तो उसको रिलीज करने के लिए क्या हेल्प करेगा? इन्फेक्शन को रिलीज करने के लिए डिफरेंट बैचलर रेमेडी में क्रैब एप्पल है, लेकिन उसके साथ हम और इमोशंस को देखते हुए डिफरेंट और भी चीजें देते हैं। बट अगर आप अपने आप से लेना चाहते हैं तो आप रेस्क्यू रेमेडी विद क्रैब एप्पल ले सकते हैं।